कितने दिलों को तोड़ती है कंबख्त फरवरी, कितने दिलों को तोड़ती है कंबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। आज दूसरी फरवरी है, फरवरी का महीना चालू हो गया है। आपको पता है फरवरी में कितना दिल दुखता है यार, हमको आपका नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत दिल दुखा है। ठीक है, हम बहुत परेशान रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ा देख लो ना यार, लग रहा है कि कोई खुश आदमी है। अब देखो यार, ऑडियंस क्या होती है ना, ऑडियंस को अगर जो तुम ना एक्साइट होकर नहीं आओगे ना, तो ऑडियंस बोलेगी कि ससुरा डिप्रेस, जिसको कौन देखेगा। ठीक है, तो मेरे को ऐसे पता है हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, वह मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा डील करना होंगे। रिकॉर्डिंग पहले वैसे उसके बाद ना ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या करें यार, हंसी बिकती है। ठीक है, हंसी बिकती है, अगर जो आप हंसोगे नहीं ना तो कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसी बहाने एक थोड़ा सा मुस्कुरा लेता हूँ, थोड़ा सा हम एक्साइटेड हो जाते हैं। अदरवाइज जिंदगी में अभी बहुत तनाई है, कोई मेरे को भाव नहीं देती है, कुछ नहीं यार, मेरे क्या बताएं यार, मेरे को इतना भागा यार, हम मतलब रोने का मेरा मन नहीं कर रहा है। चलिए आज 70th एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 17 जनवरी से स्टार्ट किया था, हर दिन अपलोड करना, ये हार्डकोर सीरीज चल रही है बच्चवा। ठीक है, गए बेटा तो गए, बचोगे नहीं। ऊपर से पता है ओशन में कहीं भी खो गए हैं, ऊपर से ओशन में खो गए, पता नहीं हम कहाँ हैं यार। पेड़ जली हो गया, और इस तरीके देखो प्यार करने वाला पेड़ हो गया। ठीक है, प्यार करने वाला पेड़, तो ये दोनों को जब साथ में करो तो दोनों प्यार करते करते उगते हैं। सबको प्यार, सलाह ससुरा पेड़ को भी प्यार मिल जा रहा, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। ठीक, हम इतना होशियारी करते हैं, थोड़ा सा इधर गुड़ जाएंगे तो मदन चलेंगे तेल लेने के लिए। सुनो, आज का टारगेट क्या है, और पहले बात बताते हैं इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अपना एक बेस बनाया था। देखो, हमने एक सेडर इंस्टॉल कर दिया है, सेडर चाहेंगे तो हटा सकते हैं, अभी हटा दे रहे हैं फिलहाल के। क्यों पता है ये सेडर्स का क्या होता है कि जब हम जो जाते हैं ना उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, सेडर्स डिसेबल कर देते। ठीक है, जब हम अंडरग्राउंड जाते हैं ना भाई, तो अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा ब्लैक सब चीज़ें हो जाती है। अब मेरे को अभी अंडरग्राउंड जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ओके, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, मेरे पास इतना है, इतना में मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, आयरन हटाओ, आयरन का वैसे आयरन ले लेना चाहिए। ठीक है, आयरन ले लेते हैं, आज फिर हम लोग रिस्क लेंगे। ठीक है, पिछला एपिसोड थोड़ा सा चिल वाला था, मतलब पिछला एपिसोड में उतना मेरे को उतना रस नहीं था, मतलब थोड़ा सा आराम था। क्यों? क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोगों को 9 दुनिया 18 सुनो 2 तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट। क्यों? ठीक है, ओके, 2 मिल जाएगा 18। चलो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ब्राउन मशरूम, तुम ये चले जाओ, तुम चल जाओ, तुम चल जाओ। मेरे को ये बोने का मन कर रहा है, लेकिन ये बोने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज हम लोगों का टारगेट क्या बताते हैं। ठीक है, आज हम लोग का टारगेट तो नीचे जो माइंडसेट है, माइंडसेट से कुछ चीज़ें थोड़ी निकाल लेनी है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। ठीक है, उसके बाद से हमको ना आज का टारगेट ये कि हमको शिफ्ट करना है वहाँ पे, कौन सा बायोम था भाई मेरे, वो था मशरूम बायोम में, मशरूम बायोम मेरे को शिफ्ट करना है। बगल में को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेरे को यहाँ रहने में मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, हमको मशरूम बायोम में मतलब शिफ्ट करने का ज़्यादा मन कर रहा है। ठीक, तो वहीं पर शिफ्ट करेंगे। मशरूम बायोम मतलब आपका होने का मतलब है कि आमतौर पर आसपास कोई भी ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं, मतलब आसपास कोई ऐसा ये सब जमीनों में नहीं है। ठीक है, तो मेरा मन कर रहा था मशरूम बायोम में शिफ्ट करने का, तो मैं शिफ्ट करूँगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे है ना, ये सब चीज़ों का हम लोग वहाँ पे अनब्रेकिंग है, मेंडिंग है। चलो, मेंडिंग का कितना है, 4 अटैक डैमेज है, और ये कितना है, 9 अटैक डैमेज। तो हम इसको क्यों देंगे भाई, और मेरे को पता है वो थोड़ा सा रखना होगा, क्या कहते हैं, कॉबलस्टोन थोड़ा चाहिए ना भाई, कॉबलस्टोन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको पता है अभी थोड़ा एक्स बना सुनो, अभी हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड जा रहे हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड जाना यार बहुत रिस्की होता है, बहुत झमेला होता है, डाला मन नहीं करता अंडरग्राउंड जाने का, लेकिन क्या किया जाए, पापी पेट के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ठीक, और सुनो, अगर जब मरने लग जाएंगे ना, तुम ये खा लेंगे, ठीक, गोल्डन एप्पल खा लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा भगवान करे मरे, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर जो ऐसा नौबत आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक, मेंडिंग है, 4 अटैक डैमेज, 1.6 अटैक स्पीड है, ओके, चलो इसको भी रख ही लेते हैं, काम ही आएगा। ठीक, और इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अंडरग्राउंड में थोड़ी ना कुछ गाय भैंस मिलेगा कि हम लोग इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और एरो रख लेते हैं, एरो का मतलब अभी बिल्कुल उतना चाहिए, ब्राउन मशरूम हटा दे रहे हैं, एप्पल हटा दे रहे हैं। ठीक, और फ्लिंट एंड स्टील क्यों रखें, फ्लिंट एंड स्टील भी हटा ही दो। ठीक, फ्लिंट एंड स्टील का कुछ खास ऐसा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कुछ खाना हम पका सकते, नहीं पका सकते, क्योंकि मेरे पास पकाने के लिए ज़्यादा लकड़ी हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाह रहे हैं। मेरे पास बेक पोटैटो है, थोड़ा रिस्क है बेटा, थोड़ा रिस्क तो है। अब ये जैसे अब इसको हम लोग पता है, अगर जब हम लोग यहाँ पे इसको पकाने लग जाएंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा निकाल के बताए, इसको पकाने के लिए लगा देते हैं। वैसे भी यार जो लकड़ी वकड़ी है, डार्क ओक स्टेयर्स का वैसे जरूरत पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सुनो, इसको पकाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ना एक वो बनाएंगे, चारकोल बनाएंगे, ताकि हम लोग अंदर जाने का रास्ता ना भूले। ठीक, और यहाँ पे पता है आज का टारगेट यही है कि हम लोग धीरे 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 मूव आउट करना है, यहाँ से निकलना है और शिफ्ट करना, कोशिश करेंगे इसी एपिसोड में शिफ्ट कर जाएंगे, नहीं तो फिर अगला एपिसोड में देखा जाएगा। ठीक है, और हाँ, आज बहुत रिस्क भी है भैया, बता दे रहे पहले ही, आज बहुत रिस्क है,
क्यों रिस्क है आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हम लोग अंडरग्राउंड चल रहे हैं। अंडर अगर जो मेरा मरने का अगर जो सबसे ज़्यादा अगर जो बढ़िया इंतजाम है कहीं पे तो वो है अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड आज हम जा रहे हैं, अंडरग्राउंड मेरे को बहुत रिस्क होने वाला है, ठीक, मेरे को बहुत रिस्क होने वाला है। इसलिए हम थोड़ा सा खाना वाना पका लेना चाह रहे हैं ताकि मतलब कि भूखे ना मरे, ठीक, भूखे मरने का नौबत ना आए, इसलिए हम लोग कुछ खाना वाना पका ले रहे हैं। हम लोग पास ये सब भी है और ये भी है, ठीक है। ये सैंड का क्या करोगे बेटा, सैंड तो यहाँ रख दो, फालतू के इन्वेंटरी स्पेस ले रहा है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने ये भी कर लिया है और आई थिंक वी शुड बी गोइंग नाउ, क्यों, ये हम लोगों ने पका लिया, ठीक। मतलब थोड़ा बहुत खाना पीना अपना रेडी रखना रखा जाता है, क्योंकि खाना पीना कुछ रेडी नहीं रखोगे ना तो दिक्कत है। पक गया, ठीक, बाकी हम लोग बाद में करेंगे, वैसे इसको ले चलते हैं नीचे, अगर जो पकाने के लिए हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग एक मिनट को, मेरी रिकॉर्डिंग कैसे चली थी, थोड़ा हो सकता है कि झूठों के इधर उधर चिल्ला रहे हो और रिकॉर्डिंग चली नहीं रही है। हाँ रिकॉर्डिंग तो चलाओ ना, ठीक है। हाँ तो देखो अब चलते हैं अंडरग्राउंड, ठीक। अंडरग्राउंड चलते थोड़ा सा डर लगता है यार मेरे को बहुत, बता रहे हैं। पता है एक तो कमेंट्री करते करते साला ध्यान ना, पता है कमेंट्री करते करते ध्यान ना थोड़ा सा मेरे को, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देते हैं ऑडियो, हाँ ठीक है। चलो यार थोड़ा डर लगता है, ठीक, अंडरग्राउंड बहुत डर लगता है, तो हार्डकोर है ना, ऊपर से मेरे पास बहुत ज़्यादा इंतजाम भी नहीं, देख रहे हो ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे लिए नहीं ज़्यादा, आपको ज़्यादा लग रहा है लगने दो, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता है अंडरग्राउंड, क्या पता साला आज एक क्रीपर आया भड़ाम से उड़ा दे तो फिर थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा। और ऊपर से पता है हम इसको ना लाइव आने वाले, मे बी अगर जो हम लाइव आएंगे ना तो लाइव आने के बाद से शायद हम लोग वो जो दूसरा वाला वर्ल्ड है वो खेलेंगे, लेकिन मेरा हम सारा फोकस एक ही वर्ल्ड पर करना चाहते हैं, ठीक है। आ गए हम, अब आने तो कोई है, अब मेरे को डर नहीं लगेगा, ठीक है। डर लगता है लेकिन ऐसे बोलने डर नहीं लगेगा, ओके। हाँ यार सुन, इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ, और एक मोटू को, हम लोग किधर आए थे, इसको हटाओ, ठीक है। और सुनो हम लोग ना पहली बार तो सारा जितना से अंडरग्राउंड सारी चीज़ें ले सकते हैं ना, हम लोग अंडरग्राउंड ले लेंगे, ठीक। हम लोग अंडरग्राउंड छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता है अब पता नहीं कि हम लोग अंडरग्राउंड कब जाएं, क्योंकि यहाँ से जब निकलेंगे मूसरूम बायो में जाएंगे तो अंडरग्राउंड जाने के हम लोग पास व्यवस्था नहीं है, ठीक। तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड चले जाएँ और सारी चीज़ें ले आए। अरे यार स्पाइडर साला, अरे यार बहुत डर लगता है साला मेरे को, सही बता दो। वो देखो यार हम थोड़ा सा कम बोलेंगे तो हमको माफ कर देना, ठीक। अरे हम थोड़ा सा कम बोलेंगे तो मेरे को माफ कर देना, मेरे को डर लग रहा है यार फिर से, अब वही साला डर वाला एपिसोड चालू हो गया। पक एक मिनट रुको यार, इसको नहीं करेंगे, मेंडिंग है लेकिन मेंडिंग होने का फायदा क्या, अगर जो हम इसको ना एक मिनट रुको यार, एक मिनट को सुनो, हम बताए क्या करते हैं। अरे यार तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, किचिर 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 कर रहा है साला, दिमाग खराब कर देते हैं। एक मिनट को, ठीक, इसको ऐसे करते हैं हम लोग ना, और एक सोड बनाते हैं यार, क्योंकि सोड के कारण ना हम लोग वो कर पाएंगे, क्या कहते हैं यार। अब मेरा थोड़ा वॉइस थोड़ा कम हो गया, हम जानते हैं, माफ करना, ठीक, लेकिन मेरे को थोड़ा डर लग रहा है ना, डर लग रहा है तो यार ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे थोड़ा सा। अरे बाप रे बाप, के भी स्पाइडर है साला, यार के भी स्पाइडर कुछ मारेंगे नहीं ना तो वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं हम लोग के फर्मेंटेड स्पाइडर आई नहीं मिलेगा। बक साला तेल लेने जाए फर्मेंटेड स्पाइडर आई, आई डोंट केयर। सुनो हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या है ना, हम लोग कहने -539 -85, ठीक, -539 -85, हम लोग यहीं से भाग भाग के निकलेंगे, ठीक, यहाँ से करेंगे। और अभी हटना, के बी स्पाइडर पता वन ऑफ द मोस्ट एनवाइंग एनिमीज में इसमें, एक तो साला हार्डकोर में सारे एनिमीज एनवाइंग ही रहते हैं, ठीक है, हार्डकोर में जनरली सारे एनिमीज होते हैं एनवाइंग ही होते हैं, लेकिन जॉम्बी जॉम्बी से काम चल जाता है। हालांकि वो जो बेबी जॉम्बी होता है वो भी बहुत टेंशन करता है, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, सही बताया यार, ऐसे गेम खेलोगे साले इतना डर होगा तो काम कैसे चलेगा। इधर क्या, इधर अंधेरा है, मेरे ख्याल से लाइट लेवल है, गिरा मिला कुछ साला, ये यहाँ पर आके से गया था, पता नहीं कैसे स्पॉन हो गया यार, हमको ऐसा लग रहा है ना मैं मौत की खाई में जा रहे, सही बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बताया ना भाई, मेरे को
-539.85 था ना, कितना था वो -539. मेरे को सही बताना भाई, मेरे को मौत का खाई लग रहा है, सही बता रहा हूँ। जो कर रहे हैं ना लाइफ में, ये बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को यार इधर आ जाना, ठीक। जो ऊपर लगी हुई हम लोग को इधर आना है, ठीक। एक मिनट को ये जाने का हम रास्ता बना दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि ऐसा करने से ना रास्ता थोड़ा सा बना रहेगा, ठीक। और एक मिनट को यहाँ पे बीच में ऐसे, तो मतलब अगर जब ऐसे जाएंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको किधर जाना है, ठीक। हम इधर क्यों ही आ रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ आना ज़रूरी इसलिए है ना, क्योंकि अंडरग्राउंड मेरे को बहुत सारी चीज़ मिली, पता है यहाँ पे इसला वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, लावा, हम लोग को अंडरग्राउंड वो मिलेगा कई सारे, मतलब डायमंड वायमंड चाहिए यार। एक तो सला डायमंड का भूख ना यार, कितना मतलब झमेला करता है ना। देखो हम इसको ऐसे लगा दे रहे हैं, देखो अगर जब हम जा रहे हैं ना तो हम दाहिने वाला टॉर्च फॉलो करेंगे, ठीक। मेरे को डर लग रहा है यार, वो देखो क्रीपर साला। मैं डर लग रहा है यार, मेरे को डर लग रहा है। रोते रहोगे खाली, मेरे को डर लग रहा है, अब ऐसे खेलोगे? ये हम अपने आप को बोले भाई, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है ना, तो हम अपने आप को थोड़ा सा बोल के ना, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक मिनट रुको, सॉरी गाइस अगर तुम बोल नहीं रहे हो। सॉरी अगर तुम बोल नहीं रहे हो, क्योंकि यार मेरा ध्यान कहीं और है, पता है। हमको पता है, जब पूरी तरह से नेदरराइट आर्मर में आएंगे ना, पूरी तरह से नेदरराइट आर्मर और इंचेंटेड ना, तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बिना उसके कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा। भाग ऐसे भाग 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 भाग, अरे भोग भाई भाई वीक अटैक कर रहे हैं, भाग ऐसे। पता नहीं सर कब कौन किधर से आ जाए यार, इधर अंधेरा है, मेरे पास टॉर्च भी नहीं है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ यार, मैं क्या क्यों ही आया हूँ। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, मैं यहाँ नहीं आऊंगा पक साला। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे को नहीं आना यार, लेकिन मेरा आगे नहीं जाएंगे तो सामान भी तो नहीं मिलेगा। ये क्या है? अरे यार ये क्या है, भटकाने के लिए रास्ता बनाया माइनक्राफ्ट ने? अरे माइनक्राफ्ट तुमको कीड़े यार ये क्यों बनाया हो सालो, मेरे को नहीं आना यार यहाँ पे, मेरे को डर लग रहा है यार। भाग साला भाग यहां से, भाग यहां से, भाग 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 भाग। पता है इनक्लोज स्पेस में प्रॉब्लम क्या है ना, इनक्लोज स्पेस में प्रॉब्लम है ना भाई, कि हम घिरा जाएंगे, ठीक है, और हम घिरा जाएंगे ना तो हम बच नहीं पाएंगे, ठीक। एक मिनट को यार, इधर से कोई आ रहा था, ठीक, उधर से मकड़ियाँ आ रही थी साली, डर लग रहा है मेरे को यार, मैं यहाँ क्यों आया हूँ भैया। चलो इधर जाने का रास्ता है वैसे, ओके मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ओके सुनो, अभी ऐसा करते हैं ना भाई, सुनो रेडस्टोन ले लेते हैं, आगे चल के रेडस्टोन, बताएं हम लोग पिस्टन बनाएंगे, रेडस्टोन बनाएंगे तो रेडस्टोन का बहुत यूज पड़ेगा, ठीक है। रेडस्टोन ले जाता है, और क्या पिक्चर कर रहे हैं, जॉम्बी कहाँ से, जॉम्बी आनी है। ओके सुनो, एक मिनट को यार, एक मिनट को, ये हम देख लेते हैं ना नीचे कौन है, नीचे जाना ही पड़ेगा, पता है नीचे जाए बिना काम नहीं बनेगा, ठीक। तो नीचे हम लोग को आना ही पड़ेगा, और हम लोग ये कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा, -563, ठीक, नीचे जाना ही पड़ेगा। तो सुनो अभी हम लोग क्या करते हैं, बताएं अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग बनाते हैं
वो बनाते हैं, चारकोल और कोल जैसा है कुछ, वो बनाते हैं ठीक। अब हम लोग इधर चलते हैं ठीक, इधर कुछ नेदर का था ना, वो नेदर का यहाँ पे कुछ था ठीक है, नेदर नहीं वो था क्या कहते हैं ये था ठीक, लावा। सुनो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे वो बने, यार पता नहीं क्यों कहते हो उधर, मेरे को डर लग रहा है अभी तक तला ठीक है। सुनो अभी हम लोग करते हैं लावा ले लेते हैं ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो कोल तो मिल नहीं रहा और टॉर्च का तो बहुत ज़रूरत है भैया ठीक है, कोल तो मिल नहीं रहा है और टॉर्च का बहुत ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग करेंगे एक ट्रिक करेंगे। कौन सा ट्रिक करेंगे पता है, हम लोग चारकोल बनाएंगे ठीक। चारकोल बनाने के बाद पता है, चारकोल बनाने के बाद हम लोग ना क्या करेंगे, इसको ऐसे करके एक चारकोल यहाँ पे लगाएंगे और डंडा लगाएंगे यहाँ पे, तो चारकोल लाइट आ जाएगा ठीक। अब यार यही एक टेक्निक मेरे को दिख रहा है, और कोई टेक्निक हमको दिख नहीं रहा है, तो मैं भी उतना मतलब परेशान नहीं होने वाला हूँ। मेरे को एक टेक्निक ये दिख रहा है, और मेरे को एक स्टोन सूट भी बना लेने दो यार ठीक, बिना स्टोन सूट का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ठीक। स्टोन कहाँ गया, मेरे को डर लग रहा है कहीं अचानक से क्रीपर आकर के मेरे को चुमाने ले पीछे में, ए बैट तो उड़ा देंगे, तो बैटमैन नहीं हो साले, हट यहाँ से, मेरे को डर लग रहा है ठीक। ओके पूरे पूरे जिंदगी में पूरे इतना लाइट भर देंगे ना भाई, हम इतना लाइट भर देंगे ना भाई कि क्या बताया तुमको। सुनो और हम लोग थोड़ा सा डंडा बना लेते हैं ठीक, डंडा बना लिए और ये यहाँ पे एक दो तीन ठीक है, मेरे ख्याल से 12-20 लाइट हो गया ठीक, बुझा गया बुझा गया तला। ओके लकड़ी उकड़ी से उतना मेरे को उतना ऐसा नहीं लगता है कि लकड़ी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ठीक है। सुनो टॉर्चा पता है, टॉर्चा तुमको लगता है ना कि अभी बहुत ज़्यादा 24 टॉर्च है बाप रे, लेकिन पता है टॉर्चा इतना जल्दी खत्म हो जाता है ना कि पता नहीं चलता यार, तो थोड़ा सा मतलब कि वो लग रहा है यार कि हल्का सा डर लग रहा है मेरे को लेकिन मज़ा आएगा ठीक। ओके तीन आयरन भी हम लोगों ने ले लिया था ना, अच्छा हमको यहाँ पे आयरन पका लेना चाहिए था, अरे यार हमको ये वाला पका लेना चाहिए था यार, बट हमने उसमें ध्यान नहीं दिया ना ठीक है। ओके मुझे पता है खाना रहेगा तो उतना दिक्कत नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम दिक्कत रहेगा। अब पता है मैं इधर से आ गया, देख रहा हूँ उधर कुछ ना कुछ मॉब्स वॉब्स स्पॉन हो जाएंगे ठीक। ओके ओके ठीक है, मेरे ख्याल से इतना लाइट काफ़ी है, क्यों इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, बहुत इतना 40 लाइट काफ़ी है, इतना भी नहीं डरपोक बनना चाहिए, इतना बनने चले यूट्यूबर डर डर के हालत ख़राब है ठीक है। 53 हो गया, 54 अच्छा बस 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 बहुत हो गया ठीक। अब तुम यहाँ पे इसको आयरन को पकाओ ठीक, और हम लोग क्या ले लेंगे एक आयरन सोड बना लिया जाए क्या, हाँ यार जिंदा रहेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी ठीक, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आयरन सोड का क्या मतलब रहेगा, मतलब आयरन बचा के भी हम क्या करेंगे ठीक। ऑल राइट ऑल राइट यहाँ पर ये हो गया है। ओके यार मेरे एक बात बताओ कि अभी हमने क्या पकाया था, कोल पकाया था ना हम लोग, मतलब चारकोल, चारकोल कहाँ पे, चारकोल यहाँ पे है, चारकोल वहाँ पे ठीक ठीक है। हम लोग पास खाना, सुनो इसको ऊपर रखते हैं, अभी हम लोग अंडरग्राउंड में भी हाई स्टेक सिनेरियो ठीक है, तो अभी हम लोग मतलब कि थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना टेंशन के कारण गिव अप कर देंगे ठीक। हम लोग को स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल गया है, अब इतना स्ट्रिंग में तो काम चल ही जाना चाहिए ठीक। दो आयरन मिल गया है, अभी हम लोग बनाएंगे आयरन सोर्ड बनाएंगे ठीक। 5 in attack 6 attack 1.6 अटैक डैमेज 6 attack है, इसका पता है रेंज ज़्यादा होती है, और इसका पता है अटैक स्पीड तो वही है, लेकिन बस खाली इसका वो है कि थोड़ा सा वो बाकी है, लेकिन हम इसको बना लेते हैं यार, क्या पता है कब क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए साला। ए भैया तुम जाओ यार बाय ठीक, वही आएगा मेरे पास ही आएगा, इसको भूंजना पड़ता है सब चीज़ को ठीक है। ये मिल गया हम लोगों को, कैसा कैसा कुछ चाइम जैसा आवाज़ आ रहा है क्यों ठीक भाई तुम सुनना। ओके फ्लिंट एंड स्टील हो गया मेरे पास, ये क्या बकलोर तुम क्या चढ़ जाओगे क्या इसी के ऊपर ठीक है। सुनो आओ तो फिर निकल दे ठीक, आ जा बेटा, तो डर लग रहा है भाई मेरे, डर लग रहा है, डर लग रहा है, अंडरग्राउंड जा रहे हैं, डर लग रहा है, यहीं कहीं लगा रहे हो। डर लगता है सबको यार, अंडरग्राउंड है क्यों, कौन ऐसे कौन कर रहा है साला, ऐसे कौन कर रहा है। ओके यार डर लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा डर लग रहा है यार, थोड़ा सा डर लग रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा डर लग रहा है। ये देखो माँ की आँख, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो इनकी पूरी खानदान है यार, अंडरग्राउंड जाना जरूरी है क्या।
इसे मार लोगे? डर लग रहा है यार, ड्रीम रूम तो है नहीं, ये देखो साली विच भी आ गई है। नीचे कहीं डायमंड वमंड है क्या? डायमंड वमंड नहीं है नीचे। वैसे यहाँ गोल्ड तो था ना, ये देखो गोल्ड तो है, इतना कम गोल्ड से काम चलेगा? चलो गोल्ड वोल्ड ले लिया था, ठीक है, गोल्ड का बहुत काम पड़ेगा, गोल्ड ले लिया था, वैसे भी हम लोग को अवेलेबल सही है। अरे हम नहीं जाने वाले इसको लेने के लिए, आई एम नॉट गोना गो देयर एंड टेक दैट, हटाओ, हम नहीं जाएंगे। कोदे गिरी गया ताला। ओके आ जाओ। वही मेरे को डर लगता है कि अचानक से कोई कहीं कहीं आके मार ना दे, थोड़ा डर लग रहा है यार। आजा बेटा आजा, यही अगर जो कुछ है सुनो, ठीक है यार, डायमंड हमको कितना डायमंड चाहिए बताए? 3-5 डायमंड चाहिए, ठीक है, 3 डायमंड से हम पिकैक्स बनाएंगे ताकि हम ऑब्सिडियन ले पाएं, और मेरे को 2 डायमंड से हमको इंचेंटिंग टेबल बनाना है, और मेरे को फटाक फटाक इंचेंटमेंट डालना है। साला डायमंड कहीं दिख रहा है क्या? पता एक ट्रिक हम यूज करके देखेंगे, सुना, एक ट्रिक यूज करके देखते हैं, ठीक भाई? भाई मेरे एक ट्रिक यूज करके देखने दो, ठीक, चीटिंग नहीं कर रहे, बस खाली एक चीज टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक, हम चीटिंग नहीं कर रहे, एक चीज हम बस खाली टेस्ट करना चाह रहे हैं। आओ ना भाई, आओ ना, हाँ तुमको बताते हैं क्या क्या हुआ। पता है हम एक ट्रिक यूज करना चाह रहे हैं, एक ट्रिक पता है क्या है? वो ये है ना कि अगर जो हम ना यहाँ पे आएंगे ना, तो सारे मॉन्स्टर्स क्या डिसअपीयर हो जाएंगे शायद। आजा बेटे आ जाओ, हट, भागे से, भागे से साला, आ जाते पता नहीं कहाँ कहाँ से, ये देख रहा हूँ। सुनो एक ट्रिक यूज करते हैं, ये ट्रिक पता नहीं मेरे को काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर जो हम इसको ऐसे करके दोबारा लोड करेंगे ना, अरे अबे थजरा तुम डिस्पॉन का ही नहीं किया बेटा। एक मिनट, इनकी तो ऐसी की पुंगी बजाते हैं अभी, इनकी मैं अभी बजाऊंगा पुंगी, तेरी पुंगी बजाएंगे बेटा, तुम जानते कहा हम डरते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमको कुछ आता नहीं है यार। इसको कैसे मारेंगे? तो साला मारे स्नाइपिंग करने लगेगा मेरे को, और अंडरग्राउंड नहीं जाएंगे तो फिर आगे मतलब कि हमको सामान कैसे मिलेगा? इस साला स्नाइपर है, दाएं दाएं मारेगा, मेरा तो हालत ही खराब हो जाएगा। ओके कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा, क्यों? ए स्केलेटन इधर आओ, ए बाबू आ इधर आओ, इधर आओ, यार पता हो सकता उधर ओपन में वो डायमंड वमंड हो। आना भाई आना, मेरे को डर लग रहा है यार, छोड़ो यार, जो डर गया समझो मर गया, उसके पहले घर गया यार, नहीं मर गया तब जाएगा घर ना, बिना मरे घर कहाँ जाएगा। अरे यार मेरे को लग रहा है कि जो डायमंड वाई लेवल, पता है हम लोग को वाई लेवल ऐसा है ना कि वाई लेवल -22 यहाँ पे मतलब डायमंड मिल सकता है। बे हटना तुमको है, देख रहे हो? लाइट लगा दो थोड़ा सा, देख रहे भैया कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार। ये क्या भर गया मेरा यार, भागो यहां से तुम। हाँ जाओ जाओ जाओ, अब लग रहा मेरा लास्ट टाइम आ गया। अबे जाना, देख रहे यार बहुत रिस्क है, रिस्क है बेटा। यार मेरे को वो चाहिए, डायमंड चाहिए, हम उधर जाना नहीं चाह रहे सर। भागो यार, जो होगा देखा जाएगा, इतना डरोगे तो जियोगे कैसे? देखा
इतना डरोगे तो जियोगे कैसे? क्या चीज फेंका जाए भाई? ठीक हाँ बेटा, तुमको पहले करो। यार ये साली, बस दो दो और मिल जाए ना भाई, दो और मिल जाए ना। अरे बहुत डर लग रहा है, तीन डायमंड मिल गया, दो डायमंड और मिल जाए, मेरे एन्चेंटमेंट का जाए काम हो जाए भाई। लेकिन ऑब्सीडियन, अरे ऑब्सीडियन है ना मेरे पास। अच्छा एक ऑब्सीडियन है, एक ऑब्सीडियन है, और ऑब्सीडियन ढूंढना पड़ेगा। नहीं पहले बताया, हम एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक, नहीं नहीं एन्चेंटमेंट टेबल, एक और ऑब्सीडियन लगेगा, ऑब्सीडियन मेरे को मिल नहीं सकता बिना इसका। भाग ऐसे, पता है क्या, अगर जो नॉर्मल मोड रहता तो बहुत कॉन्फिडेंटली लड़ ली होते, लेकिन क्या है कि हार्डकोर मोड है ना, तो मेरे को एक अंदर से एक डर बैठा है कि कुछ हो गया तो। वैसे भी आपको मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना तो आपको खोने का ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, तो और ऊपर से ये सीट भी थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है ना, उधर क्रीपर है लेकिन आयरन भी है। मेरे को डायमंड तो मिल गया है, कम से कम तीन डायमंड मिला है, और डायमंड के लेवल पता है Y=-45 लेवल होता भी है। हम हालांकि हम थोड़ा सा और गहरा लेवल चले जाएंगे। आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा। सुनना सुनना भाई, हम लोग कुछ डायमंड लेकर के आते हैं। अरे यार यहाँ कोई उतरा है साला, मेरे को डर लग रहा है यार, मैं पता नहीं क्यों करता हूँ ऐसा। आ जाओ जल्दी आओ, बस सील तो है अभी भी। ठीक है आओ, चलो गोल्ड ले लेते हैं। फुल टेंशन एपिसोड, हमको तो लगता है इससे पहले वाले जो एपिसोड हमने डाला था कि एपिसोड 14 था शायद, उससे ज़्यादा टेंशन है इसमें। लोग पता है फिलजा नाम के एक महान यूट्यूबर हैं, आप देखोगे तो उनका यार पाँच साल का उनका वो वर्ल्ड था, वो ख़त्म हो गया, वो हार गए बेचारे। तो यार हम तो फिर भी अभी एक नए नए यार, हम कौन से खेत के मूली हैं भैया। ठीक है, हमको कोई ना कोई चीज़ यहाँ फेंकना होगा, टफ को फेंकते रहे। ठीक ओके चलो निकलते, पता है अगर जिसमें सिलेंडर ऑन कर लिया होता ना तो ये भी नहीं दिखता मेरे को। यार देखते हैं आगे क्या है। मॉन्स्टर्स कितने हैं साले, यहाँ की आँख इतने मॉन्स्टर्स भर दिया है साला। जावा जावा देखा इसको, इससे पता है इससे बिना डिटेक्ट किए इधर जा नहीं सकते हम। इधर कुछ है भी क्या? बस निकलो यहाँ से, हमको स्केलेटन से डर लग रहा है साले। वहीं से मारना पता है, वहीं से गोली मारना शुरू कर देंगे साले, और दिखेगा नहीं हमको, और फिर मैं खो जाऊँगा। डायमंड दे दो भैया, कोई डायमंड दे दो ना प्लीज। अगर जो मेरे पास वो रहता ना यार, एरो एरो रहता ना, तो मेरे पास दो ही एरो ही था, दो एरो से कहाँ क्या काम चलेगा। कोई एक एक करके आओ, हाँ एक करके आओ, आ जाओ तुम, आ जाओ पहले तुम आओ। ठीक है बाप रे बाप, साला बूम बाम करके उड़ा देते हैं हरामी। तुम भी आ जाओ तुम आ जाओ। देख रहे हो यार क्या क्या करना पड़ रहा है, हमको इतना डर लगेगा इन चूतियों से, हमको पता नहीं था, हमको कभी लगा नहीं था यार। अरे आ जाओ तुम आ जाओ।
दो दो एनिमी एक साथ अच्छा नहीं होता है। मैं नहीं जाऊंगा उधर। Fuck off. I'm not going there, but जान बचे की लाखों पाएंगे, बहुत डायमंड डायमंड मिल जाएगा, हम नहीं जाने वाले उधर साला। एक बार में एक एनिमी को मैनेज करना होता तो हम कर लिए होते, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि एक बार में कई एनिमीज को मैनेज करना है। यार बहुत डर लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, ये पता है क्या हुआ था, हम इसलिए भागे ना, तुमको बता रहे हैं हम किस लिए भागे। अगर जब नहीं भागते ना तो क्या होता कि वो मेरे पे अटैक करता, वो मेरे पे अटैक करता मकड़ी। मकड़ी जब अटैक करता ना तो क्रीपर मेरा सील डिसेबल हो जाता कुछ देर के लिए, उतना देर में क्रीपर फट करके मेरा खत्म कर देता कहानी। अभी क्या है कि हम अकेले क्रीपर को हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे क्रीपर आ गया, ठीक, अगर जो कोई मेरे को अकेला अगर जो कोई डैमेज करने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको अकेले हैंडल कर लूँगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कई सारे लोग आ जाते हैं एक साथ, जब कई सारे लोग आ जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, अरे बाप रे बाप, बहुत डर लग रहा है यार। हाँ, कंटेंट के लिए, ओनली फॉर द कंटेंट। आ जाओ साला, तुम भी आ जाओ, जब आ ही गए हो तो आ जाओ। वैसे इधर कोई माइंडक्राफ्ट है ना, देखते हैं इधर कुछ है कि नहीं। साले स्पैम कर दिए हैं लोग, यही पता है, मकड़ी स्पॉनर ना स्पैम कर दिए हैं यार। इस एपिसोड में हम सोचे थे यार कि कुछ जाएंगे, कुछ गहरा, कुछ मस्त चीज करेंगे। हालो देखो क्या है यहाँ पे, क्रीपर, क्रीपर की तरफ कभी भी पीठ नहीं करना चाहिए, समझे। कुछ फेंकना पड़ेगा यार, चलो तो इसको फेंक दे रहे, ठीक। गन पाउडर जरूरत होता है वैसे यार, कुछ है ही नहीं। डायमंड वायमंड क्या है, भिखारियों का केव हो गया यार। अच्छा वहाँ एक चेस्ट है वैसे। अच्छा एक क्रीपर, आ जाओ तुम, आ जाओ, तुम्हें जाओ, कहीं कोई पीछे से ना आ जाए यार, ठीक। क्रीपर भाई साले ना एकदम धमाके के साथ मेरे को, ए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ तुम आओ, ठीक आ जाओ। यहाँ पे हम इसको मैनेज किए, ठीक है। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, नीचे कूदो, नीचे 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 कूदो, हाँ ठीक। और जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ ना। अच्छा कोई और भी है क्या, और भी है क्या कोई? यार देख रहे हो कितना साला बड़ा माइंड साफ्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ वो नहीं है, क्या कहते हैं, भक्त साला यहाँ पे नहीं जाएंगे भक्त। मकड़ी तकड़ी पकड़ी चकड़ी साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं एकदम, हम नहीं जाने वाले इधर। अरे डायमंड मिल गया, डायमंड मिल गया, डायमंड मिल गया यार, डायमंड के लिए तो आए थे। दो डायमंड मिल गया, ये बेबी आ जाओ। कौन कौन है ऊपर, पता है क्रीपर है, सुनो क्रीपर ऊपर से पहले हम लोग छुट्टी पा लेते हैं, ठीक है, क्रीपर से छुट्टी पा लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ क्रीपर के कुत्तों कमीनों, आ जाओ क्रीपर सालों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ बेटा आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ, सभी को आओ, सभी को आओ, ऊपर में आयरन है। ठीक है साला, कंटेंट के लिए क्या क्या करना। अब बताओ इतना रिस्क लेते हैं फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो यार चोट लगेगा ना मेरे को। यार हम जा रहे हैं, डायमंड तो लेकर आएंगे भैया, हमें डायमंड के बिना तो हम जाएंगे वाले नहीं है। आया हूँ तो लेके जाऊँगा। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ऑब्सिडियन ऑब्सिडियन तो लगेगा ही। एक डायमंड, दो डायमंड, ऊपर ना पता है स्केलेटन का चुटिया है साला, स्केलेटन है। डायमंड बहुत जरूरी है भाई, पता है अब डायमंड, पता है मेरा इंचैंटमेंट टेबल बन जाएगा, ठीक। इंचैंटमेंट टेबल बहुत जरूरी था भाई, एक मिनट को, हमारे पास चार को ले यहाँ पे,
पहले देख लेते कहीं कोई सलाह वो तो नहीं है ना, कोई वो स्केलेटन स्केलेटन तो नहीं है ना। ठीक है सुनो, हम लोग यहाँ पे ये करके इसको फेंको यार, ठीक है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे ऊपर में हमको कहीं स्केलेटन दिखा था लेकिन यार, अरे यार सुनो, हम लोग इसको लगाते हैं ठीक है, और हम लोगों को चेस्ट तक जाना है यार, कैसे कैसे करके ना हम लोग को चेस्ट तक जाना है। ये भी ले ले, रेस्ट्रिंग आगे चल के काम आएगा। कहीं कुछ स्केलेटन था ना, स्केलेटन स्केलेटन कहाँ है भैया? स्केलेटन, अरे यार डर लग रहा है मेरे को। डायमंड प्लीज प्लीज डायमंड। ऐ भिखारी चिल्लर चिरान सारे भिखारी, कहीं का साला भिखारी भिखारी है। पम्पकिन सीड दे रहे हैं साले, पम्पकिन सीड का हम अचार डालेंगे। अरे वाह डायमंड मिल गया, डायमंड मिल गया, डायमंड मिल गया। बस कहीं साला क्या जल रहा है, साला जल रहा है तो मेरे को लगता है ना वो क्रीपर आ गया है। चलो डायमंड मिला, डायमंड मिला, डायमंड मिला। मेरे ख्याल से ज़्यादा लालच नहीं करना, 6 डायमंड है ना। सुनो, 3 डायमंड का पिकैक्स बनाएंगे ताकि हम लोग अपना वो बाकी सब सारी सारी चीज़ें कर सकें, और बाकी 2 डायमंड का हम लोग पता है वैसे वाई लेवल ना हम लोग का सही वाई लेवल -46, ये लेवल पता है बहुत सही होता है डायमंड पाने के लिए। -45 जो होती है ना, जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा सही होती है। अरे इधर कौन स्पाइडर है साला, इधर स्पाइडर है ठीक है। अभी हम गिरने वाले थे, इधर स्पाइडर है सुना, थोड़ा सा इधर आके देखते हैं ठीक है, अगर जो मिलेगा। यार कितना लालच है मेरा यार, लालच खत्म नहीं होता है बे। डायमंड है क्या? सुनो रेड स्टोन ले लेते हैं ठीक। वैसे भी हम लोगों को आगे चल के बहुत सारी मशीनें बनानी है यार, पूरा सरदर्द वाला एपिसोड था ठीक है। ओके कहीं डायमंड दिख नहीं रहा है क्यों? कहीं डायमंड नहीं दिख रहा है। और डर लग रहा है यार, कहाँ है हमको, कहाँ गया स्केलेटन, गायब हो गया साला। अच्छी बात है। ओके क्या हम लोग पास इनफ हो गया क्यों? क्या फेंका जाए, इसको फेंक दे रहा है। वैसे भी क्रीपर फार्म बनाएंगे ना यार, एक गन पाउडर से तो कुछ होने वाला नहीं है। ओके डायमंड चाहिए बच्चे। अच्छा अच्छी डायमंड है क्या? डायमंड डायमंड चाहिए हमके। बैट टेक्स ऑफ, कहाँ आ गया यार? मेरे ख्याल से हम लोग को वापस चलना चाहिए क्यों? हाँ यार, इतना भी तुम्हारा इंचैंटमेंट आ जाएगा। ए मुन्ना इधर आओ, इधर आओ। ठीक, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। एक गलती और काम का तमाम। देख रहे हो, एक गलती और हमारा काम तमाम। ठीक है, आयरन फार्म ऊपर, जमीन जमीन के नीचे जाना ना ज्यादा रिस्की है यार। हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? हम यहाँ आ रहे हैं डायमंड के लिए। डायमंड सला ससुर मिल नहीं रहा है मेरे को, वाई लेवल मेरा -30 है। डायमंड मिल जा, डायमंड वक्त नहीं आएंगे, वक्त कुछ मिल नहीं रहा है। कहाँ कहाँ उसका तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना। ए जा, हम को तुमसे नहीं लड़ना, छोड़ दे रहा है तुमको हम, बच्चा समझ के। ओके हम अपना टॉर्चा तो लेते जाते हैं ना, टॉर्चा थोड़ी छोड़ेंगे। ठीक, हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से, जो आए थे अब चलते वापस यार। आज के लिए एपिसोड में साला इतना सरदर्द काफ़ी है क्यों? ओए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। ए ए ओ अंगा आ, चलो खत्म। डायमंड मिल जाता तो और बेटर, लेकिन मेरे पास इतना डायमंड है पता, 6 है। 2 का हम बनाएंगे इंचमेंट टेबल और 3 का पिकैक्स बनाएंगे। 1 डायमंड एक्स्ट्रा है, उसका क्या किया जाएगा, कुछ किया जाएगा। ठीक है चलो वापस चलते यार, हम यहाँ नहीं रहने वाले यार। बहुत सर दर्द हो रहा है मेरे को, बहुत टेंशन हो रहा है। उधर देखो खानदान आई हुई है। उधर खानदान आया हुआ है।
इधर हम जाने वाले थे लेकिन इधर केबी स्पाइडर का पूरा एकदम स्पैम कर दिया है, तो हमने इस केबी स्पाइडर से मेरे को नहीं लड़ना यार, ठीक, हमको वापस जाना है सरफेस पे। ज़्यादा लालच, पता है ज़्यादा लालच कितनों को बर्बाद कर दिया है, हम तो कुछ नहीं है, ठीक, हम नहीं लालच वालच करने वाले, मेरे को जितना चाहिए तो उतना मिल गया, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अरे यार अभी भी उतना सुकून नहीं है, ठीक है, जब तक तुम प्रॉपरली से उधर ऊपर पहुँच नहीं जाओ ना तब तक उतना, लेकिन थोड़ा सा मेरे को हल्का सा वो डर कम हुआ है सही बताएं तो। वो देखो यार एन्चेंटमेंट, वो देखो ज़ॉम्बी हमको फॉलो कर रहा है। भाग यार, एक गड्ढा में रहना है तो बहुत गलत बात है, ठीक है। यार हम लोग इधर से आए थे ना, हम लोग उधर जाना होगा, लेकिन उधर साला वो सब है बहुत सारा। ऊपर में कहीं डायमंड नहीं है ना? ऊपर में डायमंड नहीं कहीं, डायमंड ठीक है, इसको मार देते हैं क्योंकि पता है ये फालतू को मेरे को चीज ही करेगा साला, ठीक है। ओए मर, अरे वाह आयरन मिल गया, गुड, हटो हटो यार तुम, हटो, पता नहीं क्यों खेलते यार सही बता रहे यार, मेरे को पता है हम सर्वाइवल नहीं खेल पा रहे थे, हम सर्वाइवल में इतना बार मर रहे थे, लेकिन हम सोचे अरे जब तुम सर्वाइवल नहीं खेल पा रहे तो चलो ये खेल के देखते हैं। और देखो मेरा क्या हालत है, 13 गोल्डेट, चलो एक गोल्डन एप्पल बन जाएगा, ठीक। और रात को पता है मॉब से स्पॉन होते हैं, तो फर्मेंटेड स्पाइडर आई के लिए जो होता है ना स्पाइडर आई मिल ही जाएगा, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक, यहाँ पर रहने कोई मतलब है नहीं, यहाँ से निकलते भाई मेरे, हमका माइप कह दियो भैया, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, जब बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ रहूँगा मैं यहाँ से निकलता हूँ, हमको नहीं जाना उधर साला, बस खाली ऊपर कहीं नहीं आ जाए। तो माइनक्राफ्ट फेमस है अचानक से मौत दे देने के लिए, माइनक्राफ्ट हमेशा फेमस रहा है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। कहाँ गया भैया मेरा वो जुगाड़, आसपास कोई नहीं है ना, ठीक है, आसपास कोई नहीं है, ओके, मेरा कहाँ था जाने का इंतजाम, सुनो थोड़ा सा ये रेडीस्टोन ले ले, रेडीस्टोन बहुत काम आएगा, मशीन वसीन बनाना है ना, तो आगे चल के रेडीस्टोन काम आएगा, उसके बाद से हनी ब्लॉक से हम लोग वो बना लेंगे, पिस्टन वस्टन बना लेंगे, ठीक, हनी ब्लॉक से पिस्टन वस्टन बना लिया जाएगा। और इधर से तुम नहीं आए थे लेकिन हम वापस चलें, चलो हम जिधर से आए थे उधर चलते हैं, ठीक। कहाँ गया भैया, इधर इधर से आए थे, अब की बार हम रास्ता नहीं बोलेंगे भाई, तुमको लग रहा है ना कि अब की बार रास्ता बोलेंगे ना, अब की बार हम कोई रास्ता नहीं बोलूँगा, ठीक है। और पिछली बार पता है पिछली बार मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा था कि लोहा कहाँ है ये, अभी देखो यहाँ पे वो मिलेगा, चलो ठीक है। पिछली बार पता है मेरे को डर लग रहा था ना कि मतलब कि कोई आसपास है कि नहीं, ऊपर से आयरन वायरन देख रहे थे, ठीक, इसीलिए वो खो गए थे, नहीं तो हम नहीं खोने वाले, ठीक, हम इतना आसानी से नहीं खोने वाले भाई, ओके, हम रास्ता नहीं बोलने वाले, हम मेरे दिमाग में छप गया है वो, हैं हम यहाँ रास्ता नहीं बोले, बस खाली इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे को ये लेना था लैपिस लुजुली खुजली, ठीक है। हाँ आगे चलो वापस चलते हैं यार। अरे यार कितना डर लग रहा था मेरे को, कुछ कोल मिल गया। अरे यार अभी भी उतना डर है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, जब तक हम लोग प्रॉपरली वहाँ बेस पे शिफ्ट नहीं हो जाते ना तब तक उतना डर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हाँ आज से पता है हम लाइव आएंगे, ठीक है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ना हम लाइव आएंगे, ठीक। अरे यार लाइव आना तो और रिस्की है। अच्छा चलो सुनो ऐसा करते हैं, लाइव में अगर जो मेरे पास व्यूवर्स आने लगे ना तभी हम हार्ड कोर वाला खेलेंगे, अदरवाइज लाइव में हम ये हार्ड कोर नहीं खेलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि लाइव में प्रॉब्लम ये है ना कि लाइव में ना वो हो जाता है, क्या कहते हैं, आसपास कोई नहीं है ना, ठीक। लाइव में क्या होता है ना कि आप चैट देखते हुए आप गेम नहीं खेल पाओगे, ठीक है, आपको मतलब कि आसपास बहुत सारी चीज़ें करते रहनी पड़ेंगी, तो आपको मतलब ध्यान चला जाएगा, और जहाँ आपका ध्यान गया भैया आप तो गए तेल लेने के लिए, जहाँ आपने अपना अटेंशन लूज किया हार्डकोर में आप तो गए। पता है MKO भाग कर गए थे एक बार, वो हुआ था क्या कहते हैं, एक बार वो तो स्पाइडर आया था और वो क्या आया था, क्या कहते हैं, क्रीपर आया था, हम इसलिए भाग गए थे ना, क्योंकि क्या होता है जब आपको चोट लगता है ना तो आपके शील्ड पीछे आ जाता है, कुछ देर के लिए डिसेबल हो जाता है, तभी तक अगर ये क्रीपर ब्लास्ट कर जाएगा तो मेरा डेथ हो जाता है, ठीक। इसलिए हम वन एनिमी एट अ टाइम देखते हैं, अगर जब क्रीपर से लड़े तो हम खाली क्रीपर से ही लड़ेंगे, ठीक है। तो चलो अपना एपिसोड इतना भी मतलब बेकार नहीं रहा, हम लोगों का एपिसोड फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, और हम लोगों ने डायमंड वायमंड भी इकट्ठा कर लिए। सुनो पता है इस एपिसोड में हम लोग ऑनलाइन आ सकते हैं, ठीक,
एपिसोड में हम लोग ऑनलाइन आते हैं, और मेरे ख्याल से अभी अभी पता है शिफ्ट करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, पता है अब यहाँ से अब हम अंडरग्राउंड जाने वाले नहीं है, हमने रेडी स्टोन ले लिया है, लेपिस लुजली खुजली जो भी है वो ले लिया हमने, ठीक है थोड़ा बड़ा आयरन ले लिया है, और आयरन मेरे पास करीब 30 आयरन है, क्या 30-31 आयरन है, 31 आयरन है करीब, ठीक तो आयरन का भी उतना दिक्कत नहीं मेरे पास, एक ऑब्सिडियन है, तो हम सोच रहे थे कि तीन से पिकअप्स बना के बाकी तीन किसी और चीज़ के लिए रखते हैं, देखते हैं डायमंड के लिए, एन्चेंटमेंट टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास सुगर केन है ये, तो लेदर है ये, ओके यार क्या कहते हो डायमंड, मतलब चलते हैं वहाँ पर, हम लोग को पता है जो वो मशरूम बाया ना वहाँ पर वो भी है, क्या कहते हैं नेदर भी है, नेदर के लिए वो भी बना लेंगे, क्या कहते हैं हम लोग ऑब्सिडियन भी बना लेंगे, ठीक है तो मतलब कि उतना दिक्कत नहीं है अभी के लिए, फिलहाल के लिए सब चीज़ें अच्छी हैं, हम लोग अलर्ट थे इसलिए बच गए, नहीं तो ये यहाँ पे बचना बड़ी मुश्किल है, ठीक कानून अभी हम लोग पास यही है, तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में देखते हैं मिलके क्या करते हैं, इस एपिसोड का टारगेट था कि हम लोग अंडरग्राउंड जाना था, हम लोग अंडरग्राउंड चले गए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिए, हम लोग को 6 डायमंड भी मिल गया है, 6 डायमंड बहुत है, 5 डायमंड बहुत अर्जेंट था, 3 पिकैक्स के लिए, 2 तुम्हारे एन्चेंटमेंट टेबल, पता है एन्चेंटमेंट टेबल जब बन जाएगा ना तो हम लोग उसका अपना प्रॉपरली एन्चेंट कर लेंगे, ठीक और बाकी मॉब फॉर्म बना करके पूरा एकदम सब में प्रोटेक्शन फोर कर देंगे ना, तो थोड़ा सा रिस्क कम होगा, प्रोटेक्शन 4 फेदर फॉलिंग 4 तो थोड़ा सा मतलब रिस्क कम होगा, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, बिना एन्चेंटमेंट का मेरे को उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है, तो चलो ठीक है अब अगले एपिसोड में मिलते हैं गाइज, ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद, अगर जो आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सर दर्द हुआ इस गेम में देख रहे थे कितना डर रहे थे यार, कितना डर रहे थे हम क्या बताए थे उनको, ठीक है तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।